नागपुर विश्वविद्यालय में जब से प्रभारी कुलपति डॉक्टर प्रशांत बोकरे ने कार्यभार संभाला है, तब से रोजाना अलग अलग संगठनों के माध्यम से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि संगठन की ओर से प्रभारी कुलपति को निवेदन देने के बाद वह बिना जवाब दिए चले जाते हैं, ऐसा आरोप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लगाया है। नागपुर विश्वविद्यालय परिसर में हो रहा भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन पर कुलपति डॉक्टर प्रशांत बुकारी को बताया गया तो उन्होंने आज प्रबंधन परिषद की बैठक में निर्णय लिया जाएगा ऐसा कहकर विषय को टाल दिया और बाद में सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कार्यालय के बाहर निकाल दिया, ऐसा आरोप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लगाया है। मेरा नाम आशीष मनप है, मैं युवक कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष हूँ। सर, कल जो घटना घटी है विद्यापीठ में, उसका तो हम लोग तो मतलब एकदम विरोध ही करते हैं, और कभी ऐसी चीज़ें कहीं भी ना हो बस हम लोग इतनी आशा करते हैं। पर सर, कल जो घटना हुई है उसमें तो हमको शर्म आती है कि आज हम लोग उस विद्यापीठ के हिस्सा है कि जहाँ पे इस तरीके से एक पार्टी को बढ़ावा देने के लिए, वो भी इलेक्शन सामने होते हुए, इस तरीके से जो घटनाएं हो रही है और उसमें खुद कुलगुरु लिप्त है उन सारी बातों में, इन अनितियों कामों में कुलगुरु का हाथ है, और ये सारे प्रूफ हमने मीडिया को अभी दे दिया है। ऊपर से सर, कल जो हमको मारा गया है, पीटा गया है, हमारे ऊपर कलमे चढ़ाई गई है, कुलगुरु से हमको जो जवाब चाहिए वो कभी मिल ही नहीं रहा है। कुलगुरु के सारे प्रूफ हमारे पास है कि वो कितने मतलब, अब मैं वर्ड भी वो यूज़ नहीं करना चाहता, इतना गंदा वर्ड है वो, कि इस तरीके से वो कुलगुरु काम कर रहा है कि उनके सारे प्रूफ मतलब हमारे पास में है सर, पर वो कोई भी बातों का जवाब देने को तैयार है नहीं। और जब भी उनको ऐसा फील होता है कि मैं अभी फंस रहा हूँ, तो वो डायरेक्ट पुलिस वालों को फोन करके हमको अरेस्ट करने का सर ऑर्डर वो देते हैं। इस विषय पर बात करने पर कुलपति ने बात करने से साफ मना करने की बात भी कार्यकर्ताओं ने आज एक पत्र परिषद में कही है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।